अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू ग्राफिक स्टेशन। मैं हूं आप लोगों का ट्रेनर शहरी और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 11। वेलकम बैक गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप टूल। जी हां, टाइप टूल काफ़ी डिटेल में देखेंगे और हो सकता है कि हमारी क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो और ये भी हो सकता है कि हमें कुछ पार्ट्स के अंदर इसको कंप्लीट करना पड़े, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इसको कवर करने में एक या दो क्लास तो कम है और 10 क्लासें भी इस टॉपिक के ऊपर कम है अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कम से कम क्लास में इस टॉपिक को मैं कवर कर सकूँ। सो बिना टाइम दिए बगैर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद हैं। इस वक्त मैंने सिलेक्शन टूल ली हुई है, आज हम पढ़ेंगे टाइप टूल। जैसे मैं टाइप टूल के ऊपर कर्सर लेके आता हूँ, देखिए ये टाइप टूल का आइकॉन है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। सॉरी, देखें ये हमारा टाइप टूल है, आज हम इसको पढ़ेंगे। और इसके ऊपर देखें, जैसे मैं कर्सर लेके आया, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि इसका शॉर्टकट है टी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कीबोर्ड से टी प्रेस करता हूँ, देखिए नीचे इंडिकेट हुआ और हमारी टाइप टूल एक्टिव हो गई। देखिए टाइप टूल के अंदर आपको काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि हम अब इंशाल्लाह अपनी क्लासेस में कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप टूल और बाकी के जो हमारे ये सारे ऑप्शंस आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देखिए टाइप टूल अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम अपना जो टाइप टूल का करेक्टर पैनल है उसको हम ओपन कर लेते हैं, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी। देखिए मैं जैसे ही कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करता हूँ अपना कंट्रोल प्लस टी, जैसे मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया हमारे पास ये करेक्टर पैनल निकल के आ गया। अच्छा, जैसे आप करेक्टर पैनल ओपन करें तो साइड में आपको देखेंगे तीन रॉज आपको नज़र आ रही होंगी, 1, 2, 3। यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और अपने जो आपके यहाँ पर नज़र आ रहा होगा शो ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसकी वजह यह है कि आपके जितने भी ऑप्शंस आपके हिडन हुए हैं थे इस वक्त पैनल के अंदर, वो सब आपको इस वक्त शो हो गए। तो आइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखें मैंने टाइप टूल सेलेक्ट की, जिसका भी मैंने शॉर्टकट बताया आपको टी। अब मैं अगर कहीं भी अपना कर्सर यहाँ पे जो मेरा पे शो हो रहा है इसको अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपने आर्टबोर्ड पर, तो फ़ौरन आपके पास एक इस तरीके का टैक्स डमी टैक्स आपको शो हो जाएगा, लॉरेन एप्सन। अच्छा, ये जो आपको कहते हैं डमी टैक्स जो शो हो रहा है इस वक्त, ये सिर्फ आपको 2017 के बाद आपको सब में सारे वर्जन में शो है, और अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये डमी टैक्स शो नहीं होगा। मे बी 2017 के बाद भी मुझे इस बात का कंफर्म नहीं है, लेकिन 2018 के बाद तो एक मुझे 100% श्योर है कि उसके अंदर ही आपको डमी टैक्स मिलता है। ओके, अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा आगे, और मैं अपनी सिलेक्शन टूल लूँगा, इसको मैं जूम करूँगा। देखें ये लॉरेन एप्सन इस तरीके से मेरे पास शो हो गया। अच्छा, अब मैंने अगर टाइप टूल ली, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ भी टाइप करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मेरे पास डमी टेक्स्ट आएगा और मैं अपनी टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई टेक्स्ट, ये माय टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा, ये इस तरीके से यहाँ पे पूरा टाइप हो गया। अच्छा, अब मुझे देखें, जब तक आपके पास जैसे आपने यहाँ पे पूरा अपना टेक्स्ट कंप्लीट करा, आगे आपको एक यहाँ पे एक इस तरीके की रॉ लाइन आपको बिलिंग होती हुई नज़र आ रही होगी, देखें इस तरह की लाइन। अच्छा, इस लाइन का हमारा मकसद ये है कि इस वक्त आप अपनी टाइपिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अपनी टाइपिंग रोकनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, अपनी सिलेक्शन टूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आपकी ये टाइपिंग यहाँ पे रुक गई। ओके, थोड़ा सा और इसको देखते हैं डिटेल में। फिर से मैं टाइप टूल लेता हूँ, यहाँ से टी प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से 3 लाइनें टाइप करनी है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइन LINE लाइन 1। अब मुझे नेक्स्ट लाइन लिखनी है तो मैं जस्ट कीबोर्ड से एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ तो ये मेरी सेकेंड लाइन में शिफ्ट हो गया, LINE लाइन, और ये हो गया 2। अच्छा, ये बीच की स्पेसिंग वगैरह जो है ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं इसको सब कुछ डिटेल में थोड़ी देर में। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता दिया यहाँ तक का लाइन का कि किस तरीके से लाइन आपकी यहाँ पे आ रही है।
मैं ये सारे टेक्स्ट यहाँ से डिलीट करता हूँ, फिर से टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब जी आर ए एफ आई एक्स ग्राफिक्स एस टी ए टी आई यू एल। ऐसे मैंने सिलेक्शन टूल ली और मैंने यहाँ से इसको इधर लेके आ गया। ओके, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे। देखें, जैसे आपने यहाँ पे टाइपिंग कंप्लीट कर ली, आपने इसको कहते हैं अपने टाइपिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करा और यहाँ पे आपको देखें इधर एक ऑप्शन मिलेगा, ये जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी इस तरीके से एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। ये विंडो जैसे ओपन होगी इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। फाउंड्स, ये आपके हैं बेसिकली फाउंड्स, ये वो फाउंड हैं जो आपके सिस्टम में इस वक्त इंस्टॉल हैं। ये सारे फाउंड मेरे कंप्यूटर इस वक्त सिस्टम में अवेलेबल हैं तो ये मेरे पास सारे शो हैं। हो सकता है आपके पास ये सारे फाउंड नहीं हो, तो इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके पास क्यों शो नहीं हो रहे, ये सिर्फ वो फाउंड हैं जो मेरे पास सिस्टम में इस वक्त इंस्टॉल हुए हैं। तो फाउंड वगैरह किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगा थोड़ा डिटेल में। फ़िलहाल हम यहाँ से एक ये फाउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मुझे ये फाउंड चेंज करना था मैंने यहाँ पर इस फाउंड को चेंज कर लिया और ये मेरे पास फाउंड चेंज हो गया। ओके, और इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस फाउंड्स के अंदर आपको बिल्कुल इसके नीचे एक पोर्शन मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके जो फाउंड्स के स्टाइल्स होते हैं ये वो सारे स्टाइल यहाँ पे शो होते हैं। इस फाउंड के अंदर इस वक्त एक ही स्टाइल है हमारे पास बोल्ड इटैलिक के नाम से, तो मैं कोई ऐसा फाउंड लेता हूँ जिसके नीचे और भी सारे स्टाइल्स हों ताकि मैं आपको थोड़ा और डिटेल में ये समझा सकूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एरियल, ए आर आई आर, सॉरी, मैंने यहाँ से ये अपना एरियल फाउंड ले लिया। मोस्ट कॉमन फाउंड है, तकरीबन आपको आपने हर सॉफ्टवेयर में देखा होगा, आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल होगा ये फाउंड। कुछ फाउंड ऐसे होते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, या आप फोटोशॉप की इंस्टॉलेशन करते हैं या इलस्ट्रेटर की इंस्टॉलेशन करते हैं या अडोबी की किसी भी सॉफ्टवेयर की फैमिली की इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको फाउंड अवेलेबल होते हैं। देखें, जैसे मैंने एरियल लिया यहाँ पे मेरे पास शो हो गया रेगुलर। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे इसने मुझे बहुत सारे स्टाइल्स दिखा दिए हैं, रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है और बोल्ड इटैलिक है और ब्लैक है। ओके, अब बहुत सारे फाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सारे स्टाइल्स नहीं होते, तो इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके पास ये शो क्यों नहीं हो रहे या मेरे पास शो हो रहे हैं, तो ये आपके फाउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फाउंड्स के अंदर जो स्टाइल इंस्टॉल हुए होंगे तो वही फाउंड आपके स्टाइल यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखें, जैसे हम इसके आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे एक पोर्शन दिखेगा, जैसे आप इसके ऊपर अपना अपना कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सेट द फाउंड साइज, मतलब ये आपके फाउंड के जो साइज़ हैं ये वो शो कर रहा है इस वक्त। यहाँ पे इस वक्त मेरे पास 15 PT का साइज़ लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से इसको कम ज़्यादा करना चाहूँ या तो मैं कीबोर्ड से टाइप कर लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कर दिया इसको 10, तो ये साइज़ छोटा हो गया। इसका एक और तरीका, आपको यहाँ पे ऊपर नीचे के आपको एरो नज़र आ रहे होंगे, आप अगर अप करेंगे तो ये आपका साइज़ बढ़ता चला जाएगा, डाउन करेंगे तो ये आपका साइज़ माइनस होता चला जाएगा। ओके, इसका एक और मेथड है, इसको फाउंड साइज़ को आप यहाँ पे सिर्फ अपना कर्सर ले आएँ और अपने माउस से स्क्रॉल व्हील अप करेंगे तो इसका साइज़ अप होता चला जाएगा, डाउन करेंगे तो ये डाउन होता चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल बराबर में नज़र आएगा सेकंड ऑप्शन सेट द लीडिंग। अच्छा, लीडिंग क्या होती है, ये दो लाइन के बीच की जो गैपिंग होती है उसको बोलते हैं लीडिंग। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, मैं इसी टेक्स्ट को मुझे अब कंटिन्यू करना है, तो इसका भी एक आसान तरीका, आप वापस टी प्रेस करेंगे, अब आपका जो कर्सर है देखें अब आपका थोड़ा सा जैसे ही चेंज आ रहा है, अगर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर लेके आ रहा हूँ, अगर मैं आर्टबोर्ड के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये आपका कर्सर इस तरीके से शो हो रहा है। तो मुझे अभी इसके अंदर ये एडिट करना है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टेशन के बाद और फिर से एंटर करता हूँ और मैं अगेन यही टाइप कर लेता हूँ जी आर ए एफ आई एक्स ग्राफिक्स एस टी ए टी आई ओ एन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जैसे अब मेरा ये यहाँ पे कहते हैं एस और जो जी आई मेरा कैप्स में आया वो किस तरीके से आया, मैंने जैसे ही जी प्रेस करा था मैंने अपने साथ कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किया तो ये मेरा जी इस तरीके से कैप्स में शो हो गया। ओके, अच्छा देखें, अभी जैसे ही हमारी अब ये अभी मिडिल की लीडिंग है जो हम ये ऑप्शन देख रहे हैं इस वक्त, आप हम इस ऑप्शन को देख रहे हैं। अब मैंने ये दो लाइनें जो टाइप की हैं इसके आपस के बीच में आपको गैप जो है वो नज़र आ रहा होगा ज़्यादा, अब मैं अगर यहाँ से इसको कम करता हूँ तो ये देखें इस तरीके से इसकी बीच की गैपिंग कम होती जा रही है, या आप इसको कर सकते हैं ऑटो या आप इसको और बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं,
इसके अंदर जितना आप यहाँ से माइनस करते चले जाएंगे उतनी आपकी ये लीडिंग कम होती चली जाएगी। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वर्टिकल स्केल और इसके आगे आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल स्केल। अब मैं अगेन टाइप टूल लेता हूँ, यहाँ से टाइप टूल ली मैंने, यहाँ पे लिखा GRAFIX ग्राफिक्स STATION ग्राफिक स्टेशन। ओके, मैं अगेन यही लिखता हूँ GRAFIX STATION स्टेशन। ओके, अच्छा अब हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे वर्टिकल स्केल। अब अगर मैं यहाँ पे आ गए आपके सामने वर्टिकल स्केल को इस तरीके से आपको सेट करके दिखाता हूँ, इसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं देखें ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके से आपको ये आपके टेक्स्ट को दबा रहा है और यहाँ से अगर आपके टेक्स्ट को उभार रहा है, लंबा कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, मतलब मैं आपको बिल्कुल सजेशन नहीं करूँगा आप इसको यूज़ करें। कभी कभी ऐसे कोई टेक्स्ट होते हैं जो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कभी ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसको यूज़ करें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके देखें बॉन्डिंग बॉक्स यहाँ पे आपको चारों तरफ नज़र आ रहा होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ से इसको कहते हैं कर्सर ले गया अपना और यहाँ से इस फाउंड को रिसाइज कर दिया, तो ये बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल तरीका है ये फाउंड स्ट्रेच करना। आप जब भी रिसाइज करें, आप यहाँ रिसाइज करें या यहाँ रिसाइज करें, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको यहाँ से स्केल दे, जैसे आप रिसाइज करें तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर दें तो आपका फाउंड जो है वो हमेशा प्रोपोर्शनल में रिसाइज होगा। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आप अपने फाउंड को जब भी अपने स्ट्रेच करें रिसाइज करें तो हमेशा शिफ्ट के साथ करें। ओके, अब मैंने आपको ये ऑप्शन बताया इसका, ये स्केल का ये आ रहा है, ये बिल्कुल मुझे तो आज तक ये ऑप्शन समझ नहीं आया ये क्यों दिया है, लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन काम आ जाता है, तो इसको आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आता चले जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपने फाउंड को हमेशा प्रोपोर्शनल में रिसाइज करें। अच्छा, इसके आगे आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल, तो इसको भी देख लेते हैं। देखें ये वही सेम कहते हैं आपको कहते नज़र आ रहा होगा सब कुछ, वो वर्टिकल में वर्किंग कर रहा था, ये अपना हॉरिजॉन्टल में कर रहा है, मतलब ये भी फाउंड को आपको स्ट्रेच कर रहा है। तो आप ये दो ऑप्शंस आपको अगर कभी नीड हो तो आप यूज़ कर लें, लेकिन मैं तो कभी ये यूज़ नहीं करता और मैं भी आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसको यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सेट द कर्निंग, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको देखते हैं। देखें अभी अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको देखता हूँ तो यहाँ पे आपको ये सारी जो भी इसके ऑप्शन है सब डिसेबल नज़र आ रहे होंगे। तो ये कर्निंग बेसिकली क्या किसे कहते हैं इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। अब हमने अपना टेक्स्ट यहाँ पे जूम कर लिया है, देखें अब मैंने यहाँ से अपनी टाइप टूल ली और ये अभी तो यहाँ पे आपको तकरीबन सारे टेक्स्ट के बीच की अलाइनमेंट आपको सही लग रही है। मैं कोई ऐसा टेक्स्ट लिखता हूँ जिसके अलाइनमेंट सेट ना हो, TEST टेस्ट लिखते हैं। ओके, मैंने टेस्ट लिख लिया, देखें ई और एस के बीच की गैपिंग बिल्कुल सेट है और एस और टी की बीच की जो गैपिंग है वो भी बिल्कुल सेट आ रही है, लेकिन टी और ई की जो बीच की गैपिंग है ये सही नहीं आ रही। बेसिकली इसे ही बोलते हैं हम कर्निंग। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में क्लिक करूं और यहां से आगे अपनी कर्निंग को कम या ज़्यादा करता हूं तो आपको इसका फ़र्क खुद ब खुद नज़र आता चले जाएगा कि ये कर्निंग क्या काम करती है। देखें अभी मैंने -100 किया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं यहाँ पे अगर कर दूँ -200, माइनस का मतलब आपके बैक साइड पे जाएगा, कहने मतलब आपकी गैपिंग को कम करेगा, अगर प्लस करेंगे तो आपकी गैपिंग को ज़्यादा करेगा। देखें कर्निंग इस काम आती है, अगर मैं यहाँ से -200 करूँ तो ये अपसेट है बिल्कुल पहले के हिसाब से, लेकिन पहले जो स्पेसिंग थी वो मुझे पर्सनली तौर पर सही नहीं लग रही थी। तो अब इसके बाद बिल्कुल आगे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैकिंग, देखें ट्रैकिंग किसे बोलते हैं, ट्रैकिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये सारे ऑप्शन, टाइपोग्राफी के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब आप कोई आर्टवर्क बना रहे होते हैं या कुछ भी आप ऐसी चीज़ें बना रहे होते हैं, या तो आपने मेरा थंबनेल कभी देखा होगा, मेरी जो वीडियो के थंबनेल आते हैं उसके अंदर आपको टाइपोग्राफी से रिलेटेड अब बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि वो मैंने किस तरीके से की है। मेरा ग्राफिक स्टेशन वहाँ पे नाम आपको कहते नज़र आता होगा, बिल्कुल बारीक सा लिखा होता है और बहुत ज़्यादा स्पेसिंग होती है, वो बेसिकली मैंने अपनी फाउंड की ट्रैकिंग बढ़ाई हुई है। देखें ये 200 है तो इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप यहाँ पे आगे 200 पे आगे स्ट्रक हो गए, ऐसा कुछ नहीं है,
आप अपने हिसाब से आपको जितनी कहते हैं ट्रैकिंग चाहिए आप उतनी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। मुझे 600 चाहिए फिलहाल, मैंने यहाँ पे 600 करी। देखें बीच की स्पेसिंग जितनी थी वो सब आपस में डिवाइड होती चली गई और अपने हिसाब से उसने बिल्कुल ट्रैकिंग मेरी एडजस्ट करके दे दी है। अच्छा थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आपको ये तीन कॉलम्स आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, देखें 1, 2, 3 ये तीन ऑप्शन है। ये अभी फोटोशॉप सॉरी एलिस्ट्रेटर सीसी 2019 में अपग्रेड हुए हैं, लेकिन आपको ये 18 के अंदर नहीं मिलेंगे और इससे पुराने वर्जन्स में नहीं मिलेंगे। इस वक्त हम सीसी 2019 यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्शन हमारे पास श्योर है। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। मैं एक और फिर से एक दफ़ा ग्राफिक स्टेशन टाइप करता हूँ। मैं यहाँ से इसकी कहते हैं कर्निंग ज़ीरो करता हूँ, सॉरी टाइप नहीं करते हम, इसी टेक्स्ट को लेते हैं और इसकी ट्रैकिंग जो है हम ज़ीरो कर देते हैं, या इसमें आके यहाँ से भी आप ज़ीरो कर सकते हैं। देखें ये जो तीन ऑप्शन हैं, देखें इसके अंदर अगर आप आएँ यहाँ पे आपको इसने कुछ ट्रैकिंग के बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से कुछ चीज़ें बना के अपने पास प्रीसेट्स रखे हुए हैं इलस्ट्रेटर में। जैसे आपको अभी मैंने वहाँ पे 600 अपनी पोजीशन डाली, उसके बाद यहाँ पे शो हुआ। अब यहाँ पे इसने अपने प्रीसेट्स बनाए हुए हैं, आप बस आएँ यहाँ पे अपना कहते हैं सेलेक्ट करें अपने प्रीसेट, आपको कितनी कहते हैं ट्रैकिंग चाहिए उस हिसाब से ये ट्रैकिंग आपको सेट करके दे देगा। देखें ये मेरी ट्रैकिंग इस हिसाब से सेट हो गई, मैं इसको अनडू करता हूँ। अपना नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पर देखते हैं इसके बराबर में। अच्छा ये सेम ऑप्शन है, मतलब जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैंने अभी तक जितना भी ये यूज़ किया तो मुझे तो ये बिल्कुल सेम ऑप्शन लगे हैं, मतलब ये दोनों सेम काम कर रहे होते हैं। और इसके ऊपर आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा, ये ऑप्शन भी इसी तरीके का, जैसे ट्रैकिंग आपकी अपनी माइनस करनी है, थोड़ी सी कम करनी है, तो ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके दे देता है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, मतलब इतना फ़र्क नहीं आता इसके अंदर। अगर आप इसको कोई बिल्कुल न्यू टैक्स के ऊपर इसको यूज़ करके देखते हैं हम, जैसे ये मैंने यहाँ लिया, इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगी, देखें इस तरीके से क्लोज होती चली जा रही है। ओके और थोड़ा आगे चलते हैं, इन ऑप्शंस को देखते हैं ये क्या है। अच्छा ये बेसिकली हमारे हैं बेस लाइन को ये आपको सेट कर रहा होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये ग्राफिक स्टेशन लिखा हुआ है, सॉरी मैं एक दफ़ा फिर से टाइप कर लेता हूँ, ग्राफिक स्टेशन GRAFIX ग्राफिक स्टेशन। ओके मैं इसको यहाँ से ऑटो करता हूँ, मतलब नन करते हैं यहाँ से, इसको भी नन करते हैं और इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। अब देखें इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ से ये सिर्फ एस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आके मैं अपनी जो हमारी बेस लाइन के हिसाब से आपके ऑप्शन आ रहा है, मैं अगर मैं इसको यूज़ करूँगी, देखें इस तरीके से आ रहा है। ये ऑप्शन आपके कभी कभी बहुत कोई फ़नी से आपको अगर टैक्स वगैरह बनाने हैं तो वहाँ पे काम आता है, और वैसे भी आप अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपको जहाँ पर इस चीज़ की नीड हो। ये बेसिकली आपकी जो बेस लाइन होती है उसको उससे आपके टेक्स्ट को कहते हैं अलाइन कर रहा होता है ऊपर या नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल मैंने ग्राफिक्स का जी जो है वो थोड़ा सा ऐसे अप कर लिया, आर को यहीं अलाइन रहने दिया मैंने, और मैंने इसको थोड़ा सा माइनस कर लिया कुछ इस तरीके से, फिर मैंने एफ़ को थोड़ा सा ऐसे एफ़ मैंने थोड़ा सा अप कर लिया। मतलब आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा कोई फ़नी सा आपको अगर टेक्स्ट वगैरह बनाना है या थोड़ा सा आपको कहते हैं अलग सा लुक देना है अपने फाउंट्स के अंदर, तो आपको इस तरीके से ये आपके वर्किंग करता है। मतलब आपके बेस लाइन का जो टेक्स्ट होता है अपनी अपनी लाइन को अलाइन रखता है और उसके बाद सारे टेक्स्ट को ये अप और डाउन कर रहा होता है। ओके थोड़ा सा और नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं हम। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मुझे फॉर एग्जांपल इस एस को रोटेट करना है और बाकी सारे अल्फ़ाबेट हमारे सेम रहे, तो ये हमारा रोटेशन का जो कॉलम है हमारा यही काम करता है। यहाँ पे आप जैसे जैसे देखें, फॉर एग्जांपल मैंने 180 किया तो इसने एस को पूरा 180 पर रोटेट किया और हमारे पास शो कर दिया, और ये अपने हिसाब से इसको रोटेशन दे रहा होता है। जैसे आपको कहते हैं कोई टैक्स है या मतलब कोई ऐसे नाम होते हैं जिसके अंदर आपने वो टाइप कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा उसको अलग सा लुक देना है और सिंपल सा भी देना है, तो वहाँ पे ये बहुत काम आता है। आपने इस तरीके से इसको रोटेट किया और इन दो टैक्स के बीच की
यहाँ से अपनी टर्निंग कम कर सकते हैं, जैसे -100 कर दी मैंने, और भी कम करनी है तो आप यहाँ पे अपनी टाइपिंग करके या अपने माउस से स्क्रॉल व्हील से अपनी इसकी ट्रैकिंग को कम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, मैं एक और दफ़ा इसको देखें, अभी मैंने सिर्फ ये सेटिंग की हुई है, तो पुरानी सेटिंग जो आप अपनी यहाँ पे पुरानी सेटिंग कैसे करेंगे उसी सेटिंग के ऊपर आपका नेक्स्ट जो टेक्स्ट आप टाइप कर रहे होंगे या अपनी टाइप टूल को क्लिक करेंगे तो उसी सेटिंग में सब आ रहा होगा। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप अपनी वर्किंग करने के बाद अपने पैनल को रीसेट कर लें या बिल्कुल पुराने ऑप्शन पे जो थी उसकी सेटिंग उसके ऊपर लेके आ जाइए। देखिए अब आपको इसके नीचे ऑप्शन कुछ नज़र आ रहे होंगे, डबल टी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल कैप्स। बहुत कॉमन सी बात है, अगर आप इसके ऑल कैप्स का मतलब है, मतलब ये सारे जितने भी हमारे पास टेक्स्ट है ये सब कैप्स के अंदर शो होगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें सब जितने भी हमारे पास टेक्स्ट था ये सब हमारे कैप्स लॉक के अंदर शिफ्ट हो गया। इसको मैं देखें, जो भी आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, आपने जैसे यूज़ किया आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से शो हो रहा होगा। अब आपको इसको कहते हैं, जैसे आपको टेक्स्ट को वापस उतनी पुरानी पोजीशन में ले जाना है तो आप इसके बाद एक और दफ़ा क्लिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इसके बिल्कुल आगे आपको नज़र आ रहा होगा, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स का मतलब ये है कि आपको जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो कैप लॉक में रहेगा, आगे के अल्फ़ाबेट कैप लॉक्स में रहेंगे लेकिन आपके फर्स्ट जो आपका अल्फ़ाबेट होगा उससे थोड़े से छोटे रहेंगे। देखें कुछ इस तरीके से। ओके, अच्छा अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ। मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई एक फार्मूला टाइप की कुछ चीज़ लिखता हूँ, a2+b2। फॉर एग्जांपल आपको जैसे कोई हमारे फार्मूले वगैरह होते हैं उसके अंदर जैसे a²b² होता है, तो ये मैंने उसी के लिए आपको लिए एग्जांपल दी है। आप यहाँ पर टी दबाएँ और इसको सिलेक्ट करें और यहाँ ला के जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, जो कि ये देखें आपका ये a² बन गया, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये b² बन जाएगा। ओके, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अच्छा अब आपको बिल्कुल इसके आगे एक और चीज़ समझ नज़र आ रही होगी। अच्छा ये देखें, जो चीज़ आपने एक दफ़ा यूज़ कर ली है तो वो आपकी वहीं पे उस तरीके से स्ट्रक हो जाती है। आप इसको वापसी रीसेट करते रहें अपने पैनल को तो ज़्यादा बेहतर है, मेरा मशवरा यही है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन हम इसके लिए मैं आपको देता हूँ H2O। थोड़ा सा मैं नीचे लाता हूँ। H2O तकरीबन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसका फार्मूला है, सबको ही पता है। तो मैं यहाँ से 2 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मेरे पास यही थी कि मैं आपको ये H2O इस तरीके से लिख के दिखा दूँ तो आपको समझ आ गया होगा ये क्या काम कर रहा है। अच्छा इसके बाद आपको ये बिल्कुल आगे समझ नज़र आ रहा होगा, ये 2 ऑप्शन, ये आपको कहते हैं आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करके देता है। जैसे आपको अंडरलाइन करना हो, कोई टेक्स्ट ऐसा होता है जो हेडिंग के लिए आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसके आगे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये आपके टेक्स्ट को कट करता है या उसके बीच में एक मिडिल लाइन दे रहा होता है। मतलब इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूँ, जैसे आप कोई ऑफ़र का कोई आप पंफलेट या ब्रोचर बना रहे हैं, या फॉर एग्जांपल कि भाई ये चीज़ आपकी पहले 500 की थी, अब आप इसको काट के आप लिख दिया आपने या ऐसे इसको लाइन भी किया और एक और टैक्स आपने नीचे, इस तरीके से मैं आपको इसकी सैम्पल शो कर देता हूँ। 500 और फिर अगेन आपने टैक्स क्लिक किया, भाई अब ये ऑफ़र है ये 400 में मिल रहा है, तो इसको आपने यहाँ से ये टैक्स लाइन हटा दी। तो इस ये इन जगहों पे या ऐसी जगहों पे आपके ये काम आता है। जैसे जैसे आप ये यूज़ करते रहेंगे ये सारी चीज़ें आपको ये समझ आती चली जाएंगी। अच्छा इसके बाद आपको एक और ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ये लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज तो कॉमन सी बात है, इंग्लिश US आप यूज़ करें, मेरी सजेशन यही है। और ममालिक में जैसे कोई फ्रांस का बंदा है तो फ्रांस के हिसाब से अपनी फ्रेंच यूज़ करें, मतलब आपको इसके बारे में कीबोर्ड की सेटिंग के बारे में तो पता ही होगा। अच्छा अब आखिरी ऑप्शन आपको यहाँ पे इस पैनल का जो नज़र आ रहा हुआ ये पैनल। अच्छा इस पैनल को मैं आपको बहुत इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अपने विंडो में आएँ, व्यू में आएँ और यहाँ से अपना पिक्सल प्रीव्यू ऑन कर लें, या इसका शॉर्टकट है अल्टर कंट्रोल वाई। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पिक्सल प्रीव्यू यहाँ पे शो हो गया। अच्छा देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये हमारा क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा पिक्सलेट, क्यों? क्योंकि हमारे फ़ोन के साइज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं इसका थोड़ा सा इसको स्केल करूँगा इस तरीके से। अच्छा मैं आपको ये समझाने का मकसद क्या है वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूरा कोई आर्टवर्क बनाया, आपको उसको एंड में जाना अपने जेपेक फॉर्मेट में या किसी ऐसे फॉर्मेट में निकालना है जिसके अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो वेक्टर नहीं रहेगा, रास्टर हो जाएगा।
तो ये उसके समझाने के लिए मैंने आपको इसका प्रीव्यू जो है अपना वो यहाँ से आपको पिक्सल प्रीव्यू में दिखा रहा हूँ। देखें, अगर आप इसको नन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नन करता हूँ तो आपकी जेपेग बनने के बाद जो आपका टेक्स्ट का कहते हैं फाउंड जो शो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और अगर आप इसको क्रिस्प कर देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इसका बहुत अच्छा जो मैं आपको एग्जांपल दे पाऊँगा वो मैं आपको फोटोशॉप में बता पाऊँगा, क्योंकि एडोब जो है, ये इलस्ट्रेटर जो है हमारा, ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर तो आपको इन चीज़ों के बहुत कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन आपको फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के इश्यूज़ आएंगे। तो इसको मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इसको शार्प के ऊपर ही रख के यूज़ करें। मतलब आपका, मेरा कहने का मकसद ये, आप कोई फॉर एग्जांपल आपने जेपेग के ऊपर हमने कोई टेक्स्ट वगैरह लगाया है तो वो जो जेपेग का बाहर आपके कहते हैं जेपीजी फॉर्मेट आपका जो बाहर निकलेगा तो वो आपके टेक्स्ट के कॉर्नर्स और एजेस को इस तरीके से शो कर रहा होगा। ओके गाइस, आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, फेसबुक पेज लाइक करें और ट्विटर पे हमें फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।